साथियों, हर नागरिक का आत्मसम्मान हो, आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है, हमारा भी ये निरंतर प्रयास है। ये तभी संभव है जब हम सभी अपने कर्तव्यों को अपने अधिकारों का स्रोत मानेंगे, अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। कर्तव्यों पर संविधान पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है, लेकिन पहले के दौर में उसे ही भुला दिया गया। चाहे सामान्य नागरिक हो, कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि हो, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग हो, हर व्यक्ति, हर संस्थान के लिए कर्तव्यों का पालन बहुत प्राथमिकता है, बहुत जरूरी है। संविधान में तो हर नागरिक के लिए ये कर्तव्य लिखित रूप में भी है, और अभी हमारे स्पीकर आदरणीय बिरला जी ने कर्तव्यों के विषय में विस्तार से हमारे सामने विषय भी रखा। फ्रेंड्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज मैनी स्पेशल फीचर्स, बट वन वेरी स्पेशल फीचर इज द इंपॉर्टेंस गिवन टू ड्यूटीज। महात्मा गांधी हिमसेल्फ वॉज वेरी कीन अबाउट दिस। ही सॉ अ क्लोज लिंक बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। ही फेल्ट दैट वंस वी परफॉर्म अवर ड्यूटीज, राइट्स विल बी सेफगार्डेड। साथियों, अब हमारे प्रयास ये होने चाहिए कि संविधान के प्रति सामान्य नागरिक की समझ और ज्यादा व्यापक हो। इसके लिए संविधान को जानना समझना भी बहुत जरूरी है। आजकल हम सब लोग सुनते हैं केवाईसी, ये बहुत कॉमन शब्द है, हर कोई जानता है। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। ये डिजिटल सुरक्षा का एक बड़ा अहम पहलू बना हुआ है। उसी तरह केवाईसी एक नए रूप में, केवाईसी यानी नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान सुरक्षा कवच को भी मजबूत कर सकता है। इसलिए मैं संविधान के प्रति जागरूकता के लिए निरंतर अभियान चलाते रहना ये देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक मानता हूं। विशेषकर स्कूलों में, कॉलेजों में हमारी नई पीढ़ी को इससे बहुत करीब से परिचय करना हो चुका। आई वुड अर्ज यू ऑल टू टेक इनिशिएटिव दैट मेक एस्पेक्ट्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन मोर पॉपुलर अमंग अवर यूथ, दैट टू through innovative methods।